तुम सही कह रही हो कृतिका, ये हिम्मत हारने का टाइम नहीं है, ये रोने का टाइम नहीं है। मैं कमजोर थी, कैसे पढ़ सकूं? जब सिद्धार्थ और मैंने साथ फेरे लिए थे तो तब वादा किया था एक दूसरे को, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, तो आज मैं कमजोर कैसे? मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना, कि मुझे भी तो कोशिश करनी चाहिए सिद्धार्थ को बचाने की। मैं यहाँ घर में बैठे रहने से तो सबूत नहीं आ जाएंगे ना, मुझे बाहर जाना चाहिए, वो सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए। सिद्धार्थ की इज्जत पे जो आज जो काला दाग लगा है, मुझे वो साफ करना है। कृतिका, वो इनोसेंट है, मेरा सिद्धार्थ ऐसा कर ही नहीं सकता। आई एम सो ग्लैड कृतिका, तुम एटलीस्ट हमारे साथ खड़ी, तुमने हम पे भरोसा किया। तुम देखना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी सिद्धार्थ को, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे सबूत हमें मिल जाए। सिद्धार्थ और मैं मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैडम 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 सुनिए तो। मैडम आपको कैसा लग रहा है, आपके पति ने आपको धोखा दिया है, अब आप क्या करेंगी? ऐसे आदमी से आप तलाक नहीं देना चाहिए। शट अप नाउ, जस्ट शट अप। कैसे पति से तलाक नहीं लेना चाहती मैं? दोषी है वो। हाँ, आपको कैसे पता? आप प्रेजेंट थी वहां पे जब ये सब हो रहा था। किस बेसिस पे? एक दो कौड़ी का फेक MMS स्कैन निकल गया, उस जरिए से आपने पूरी जजमेंट ही पास कर दिया कि वो दोषी है, राइट? उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत पे आपने मतलब दाग ही लगा दिया, बदनाम हो गया वो। यू बी हैप्पी? नहीं, मतलब सबसे सेंसिटिव सिचुएशंस पे सबसे इनसेंसिटिव क्वेश्चंस पूछने की ट्रेनिंग आपको देता कौन है, मुझे जानना है। किसी की मैयत पे चले जाएंगे, पूछेंगे अरे आपका करीबी मर गया, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगेगा? कोई नाचेगा क्या? पार्टी देगा? किसी का बलात्कार हो जाएगा, अरे आपका बलात्कार हो गया, कैसा लग रहा है आपको? रियली, आर यू गाइस इनसेन? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोग जजमेंट्स पास कर रहे हैं किसके ऊपर? एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक अच्छी रेपुटेशन कमाने में, उस इंसान के ऊपर। समझते क्या है आप लोगों में? क्यों आपकी रिपोर्टिंग में आपको यह सिखाया जाता है? पता भी है ABC आपको? एक एक्यूरेट तरीके से आप न्यूज को प्रेजेंट कर नहीं पाते, जजमेंट पहले पास कर देंगे। अरे जजमेंट पास करने के लिए कोर्ट से, पुलिस स्टेशन से आप क्यों कर रहे हैं? जज की जगह जाके आप ही बैठ जाइए ना, आप ही बोल दीजिए हम जजमेंट पास कर लेंगे, जज आपकी जगह आके रिपोर्टिंग कर लेगा। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। उस MMS की बात करते हैं। उस MMS में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, राइट? एक है मेरा पति सिद्धार्थ खुराना, जो चीख चीख के बोल रहा है कि उसे फंसाया गया है, वो बेगुनाह है, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी है वो औरत शबनम, जो गायब है जब से ही MMS लीक हुआ है। तो किस बुनियाद पे आप ये पूरे केस को सच मान के बैठे हैं भाई? मैं सिद्धार्थ के साथ खड़ी हूँ और उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगी मैं। लेकिन दीदी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तो बहुत देर हो चुकी है ना। बहुत देर तो कभी नहीं होती है, कोई ना कोई तरीका तो हमेशा सामने होता है। मिल जाएगा कुछ ना कुछ, विल मैनेज। ओके, आपका मेकअप, लिपस्टिक, मस्कारा सब साड़ी पे लग जाएगा। अपने जमाई को मिलने इसी साड़ी में जाना है मुझे। सॉरी, आप और आपकी साड़ियाँ। आई एग्री विद यू। अब मैं चाय के लिए बोलती हूँ। नहीं, मुझे अभी निकलना। टेक केयर। ओके, टेक केयर। हाँ सबनम मैम साहब, मैंने सेठ बाबा की माँ और सास को सब कुछ ठीक करने का बात करते सुना। आपको खबर दे दी मैंने? मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा ना? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, कल बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी फोन रखूं और मेरा नंबर डिलीट कर देना। ठीक है। डीडी पटेल, तुम अपनी बेटी और जमाई की जिंदगी में कभी खुशियां वापस नहीं ला सकती, क्योंकि तुम्हारी ये सौतेली बेटी ऐसा होने नहीं। शबनम शिव पटेल, अब तुम्हारा आखिरी पत्ता खेलने का वक्त आ गया। आज का ये सूरज रोशनी और सिट की शादीशुदा जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। 4 नवंबर 2015 का ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
बच्चों की आज के दिन रोशनी और सिर हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे।